बल्कि एक बात और तय है कि 2025 में भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। संभवतः लोकसभा में ना तो ये खाता खोल पाएंगे और 25 में पुनः इनके नेतृत्व में सरकार का बनना असंभव है। मेरी कोई घर परिवार व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और एक बड़े लक्ष्य के साथ भाई हम लोग एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा बने, तो मुझे इन तमाम बातों से ना कोई फर्क पड़ता, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। आप ये जानते हैं कि जब हम लोग एनडीए से अलग भी हुए तब भी कभी हम लोग किसी दूसरे गठबंधन में हम लोग नहीं गए। जब इस औपचारिक घोषणा को कर दिया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा है। नमस्कार, आईपीटीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता मौजूद हूँ पटना एयरपोर्ट पे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई देंगे। ये तस्वीर है पटना एयरपोर्ट की, जहां एनडीए में बैठक में शामिल होने के बाद पहली बार चिराग पासवान पटना आए हैं, और ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए का हिस्सा बनने की औपचारिक घोषणा की है लंबे समय से। इससे पहले मैं जितनी बार भी आप लोगों के सामने आया, उस वक्त आप लोगों के यही सवाल थे कि भैया आप किस गठबंधन का आप हिस्सा हैं या किस गठबंधन में आप जाइएगा। हर बार मैंने इस बात का जवाब दिया कि चुनाव के वक्त ही ये फैसला लिया जाएगा, पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से निरंतरता में संपर्क साधा गया, मुझसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी की कई मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में कई हम लोग की चिंताएं थी जिनको सम्मान दिया गया, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात। इन तमाम मुलाकातों में ना सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो जो चिंताएं थी उनको सम्मान दिया गया, बल्कि आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर भी रूपरेखा गठबंधन की तैयार की गई। आज जब इस औपचारिक घोषणा को कर दिया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा है, इसके पूर्व में भी आप ये जानते हैं कि जब हम लोग एनडीए से अलग भी हुए तब भी कभी हम लोग किसी दूसरे गठबंधन में हम लोग नहीं गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2020 का चुनाव अकेले लड़ना पसंद किया, पर दूसरे गठबंधन में अपने स्वार्थ के लिए अपने सिद्धांतों से हम लोगों ने कभी कोई समझौता नहीं किया, और आज जब पुनः हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं तो ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि जो परिणाम हम लोग के 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग को देखने को मिले थे, जहाँ 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, ये कहने में मुझे कहीं कोई शंका नहीं है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर जो आक्रोश बिहार की जनता में है, उपचुनाव में हम लोग उन आक्रोशों को देख चुके, गोपालगंज के परिणाम हो या कुर्नी के परिणाम हो, उस वक्त औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा ना होने के बावजूद हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने समर्थन किया था, और उन परिणामों में हमने देखा, इवन फॉर दैट मैटर मोकामा के परिणाम जिस तरीके से आए, ये दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन को नुकसान ही होगा, नेगेटिव वोटिंग उस गठबंधन में होगी।
देश में जहां एक तरफ मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, और ये बातें तब भी हम कहते थे जब हम एनडीए का हिस्सा हम नहीं थे, कई बार आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि भैया आप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं बोलते, आप बीजेपी की तरफ आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि वो विश्वास मेरा मेरे प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों में हमेशा से रहा है। उनका समर्थन एनडीए से अलग होने के बाद भी हम लोगों ने किया था, तो अब तो हम लोग औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की तमाम नीतियों को जनता तक पहुंचाना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता की प्राथमिकता रहेगी, और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि ना सिर्फ 24 के चुनाव में हम लोग 40 की 40 सीटें जीते, बल्कि एक बात और तय है कि 2025 में भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संभवतः लोकसभा में ना तो ये खाता खोल पाएंगे, और 25 में पुनः इनके नेतृत्व में सरकार का बनना असंभव है। बात मैं स्पष्ट कर दूं, आप जब किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर जब तक तय नहीं हो, अगर गठबंधन के तमाम घटक दल ही इस तरीके से बात विवाद उत्पन्न करे, ये ठीक नहीं है। मेरी जितनी बातें हुई हैं गठबंधन के भीतर हुई हैं, किसी दूसरे को चर्चा करनी है तो सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। आप गठबंधन के भीतर जाएं, वहां पर अगर कोई आपसे बातचीत करता है तो वहां पर आप अपनी चिंताओं को आप उनके समक्ष रखें, इस तरीके से शोर हल्ला करने का लाभ किसी को नहीं। पैर छूने से दिल नहीं मिलेंगे। अरे प्रभु सुनिए, ये 2 साल पहले की बातें हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। उनके बारे में इन 2-2.5 सालों में भी मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, और ना मैं आज करूँगा। मेरी एक बड़ी लड़ाई है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने। मेरी कोई घर परिवार व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और एक बड़े लक्ष्य के साथ भाई हम लोग एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा बने, तो मुझे इन तमाम बातों से ना कोई फर्क पड़ता है। मैं बहुत आगे निकल गया हूँ भैया, ना मुझे फर्क पड़ता है, ना इन बातों पे मैंने कोई टिप्पणी की थी, ना करूँगा। मुझे बिहार आज की तारीख में भैया बेगूसराय में इतनी बड़ी घटना वहाँ पे घटी है, कल हमारे पार्टी के तमाम सदस्य वहाँ पर गए। आज की तारीख में बिहार को लेकर बहुत ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिसको प्राथमिकता देने की जरूरत है। बेगूसराय की घटना कोई छोटी घटना नहीं है भैया, किस तरीके से बिहार को शर्मसार करती है वो घटना, दिखाती है कि अभी भी समाज में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो 21वीं सदी में भी ऐसी मानसिकता रखते हैं। भाई मैं सही गलत में किसने क्या किया नहीं किया ये जांच के विषय है ना, पुलिस कार्रवाई करेगी, पर इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना और समाज को शर्मसार करना कहीं से उचित नहीं है। तो भैया कहाँ है मुख्यमंत्री हमारे, क्यों नहीं वो बोलते इन तमाम विषयों पर, क्यों नहीं वो संदेश देते तमाम ऐसी असामाजिक तत्वों को। मुख्यमंत्री भागे भागे दौड़े दौड़े जाते हैं, बेंगलुरु जाएंगे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, पर अपने प्रदेश में होती घटनाओं पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये चिंता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है, छोटे विषयों में। एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए का हिस्सा बनने की औपचारिक घोषणा की है लंबे समय से। इससे पहले मैं जितनी बार भी आप लोगों के सामने आया उस वक्त आप लोगों के यही सवाल थे कि भैया किस गठबंधन का आप हिस्सा हैं या किस गठबंधन में आप जाइएगा। हर बार मैंने इस बात का जवाब दिया कि चुनाव के वक्त ही ये फैसला लिया जाएगा, पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से निरंतरता में संपर्क साधा गया,
मुझसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी की कई मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों में कई हम लोग की चिंताएं थी जिनको सम्मान दिया गया, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई। इन तमाम मुलाकातों में ना सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो जो चिंताएं थी उनको सम्मान दिया गया, बल्कि आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर भी रूपरेखा गठबंधन की तैयार की गई। आज जब इस औपचारिक घोषणा को कर दिया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा है, इसके पूर्व में भी आप ये जानते हैं कि जब हम लोग एनडीए से अलग भी हुए तब भी कभी हम लोग किसी दूसरे गठबंधन में हम लोग नहीं गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2020 का चुनाव अकेले लड़ना पसंद किया, पर दूसरे गठबंधन में अपने स्वार्थ के लिए अपने सिद्धांतों से हम लोगों ने कभी कोई समझौता नहीं किया। और आज जब पुनः हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं तो ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि जो परिणाम हम लोग के 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग को देखने को मिले थे, जहाँ 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, ये कहने में मुझे कहीं कोई शंका नहीं है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर जो आक्रोश बिहार की जनता में है, उपचुनाव में हम लोग उन आक्रोशों को देख चुके। गोपालगंज के परिणाम हो या कुर्नी के परिणाम हो, उस वक्त औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा ना होने के बावजूद हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने समर्थन किया था, और उन परिणामों में हमने देखा, इवन फॉर दैट मैटर मोकामा के परिणाम जिस तरीके से आए, ये दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन को नुकसान ही होगा, नेगेटिव वोटिंग उस गठबंधन में होगी। देश में जहां एक तरफ मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, और ये बातें तब भी हम कहते थे जब हम एनडीए का हिस्सा हम नहीं थे, कई बार आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि भैया आप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं बोलते, आप बीजेपी की तरफ आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि वो विश्वास मेरा मेरे प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों में हमेशा से रहा है। उनका समर्थन एनडीए से अलग होने के बाद भी हम लोगों ने किया था, तो अब तो हम लोग औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की तमाम नीतियों को जनता तक पहुंचाना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता की प्राथमिकता रहेगी, और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि ना सिर्फ 24 के चुनाव में हम लोग 40 की 40 सीटें जीते, बल्कि एक बात और तय है कि 2025 में भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संभवतः लोकसभा में ना तो ये खाता खोल पाएंगे, और 25 में पुनः इनके नेतृत्व में सरकार का बनना असंभव है। तो देखा आपने, जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट आते ही पशुपति पारस यानी कि उनके चाचा पे चिराग पासवान निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, और कहा कि जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से चाचा कटाक्ष करे वो सरासर गलत है, हम एनडीए का हिस्सा है और हम शुरू से एनडीए का हिस्सा ही रहे। अगर चाचा को अगर कुछ कमेंट करना ही था तो उनको एनडीए के अंतर्गत रह के करना चाहिए था, ऐसे सार्वजनिक रूप में नहीं करना चाहिए था। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।